सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। इस बार 87.33% रहा, जिसमें मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा। विद्यालय का ये भी प्रथम सत्र होने के बावजूद भी प्रथम परीक्षा में शामिल भी परीक्षार्थी सफल रहे। सत्र 2022-23 में विद्यालय से 10वीं में कुल 92 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 10वीं कक्षा के 20 से ज्यादा विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त। अच्छा, और आगे की क्या तैयारी है? अभी पहले जेईई एडवांस करता है, IIT, वो नॉर्मल से सपना सबका जो होता है। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरे मदर फादर को। और स्कूल से कैसा सपोर्ट मिला? उनका है, और स्कूल से सपोर्ट मिला है, जो टीचर्स मेरे ऊपर मेहनत किए हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, लेकिन जो बच्चे ध्यान देते हैं क्लास में वो अभी आप लोगों को भी एग्जांपल पता होगा, हर बच्चे एक ही बुक से पढ़ते हैं, एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जो बच्चे का अच्छा रिजल्ट आता है वो टीचर को गौर से सुनता है, और जिसका नहीं आता वो नहीं सुनता। तो यही डिफरेंस होता है, जिसका नंबर आता है जिसका नहीं आता है, और यही है मेरा सक्सेस का। कितने मार्क्स हैं? 95.2%। आगे की क्या तैयारी है? आगे PCM लेना। टीचर्स का कैसा सपोर्ट मिलता था? टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और कुछ बताइए। और बहुत खुश हूँ, स्कूल का बहुत सपोर्ट मिला। आयुष अमर। क्या रहा रिजल्ट? 95.2%। स्ट्रीम क्या था? आर्ट्स। और आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी यही है कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स में करना है। और क्या शेड्यूल रहता था? इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो क्या शेड्यूल, कैसे पढ़ते थे आप? उसका कोई शेड्यूल नहीं रहता, जैसे कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे उसे पढ़ते हैं। आप किसी चीज़ को 3 घंटा पढ़े फिर भी उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और अगर आप उसे 1 घंटा भी पढ़े तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उसे टैकल कर सकते हैं किसी भी कारण से। स्कूल से कैसा सपोर्ट मिलता था टीचर्स का? मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, जितना मार्क्स है वो टीचर्स के बदौलत ही आया। मेरा नाम योगिता है। और क्या स्ट्रीम था इस बार? आर्ट्स। आर्ट्स का क्या परसेंटाइल आया? मेरा आया है 89%। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा मतलब क्या शेड्यूल रहता था आपका, कैसी तैयारी करते थे आप? मेरा नॉर्मली चलता था, मतलब जैसे मोस्टली सारे बच्चों की तरह एन वक्त पे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस लेके पढ़ना, वैसे ही मेरा भी चलता था। आगे की क्या तैयारी है? आगे की यही तैयारी है कि सोच रही हूँ अब BBA ऑनर्स करने का। 91.4%। कितनी खुशी हो रही है इस मार्क्स से? बहुत खुशी हो रही है। आगे क्या करना है? मैथ्स। क्या नाम है? श्रेया कुमारी। स्कूल से कैसा सपोर्ट मिलता था? टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और बहुत सपोर्ट करते थे, और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। देखिए, आशा से बेहतर रहा, जितनी आशा थी उससे बेहतर रिजल्ट रहा। पहली बार हमारे स्कूल से 10वीं और 12वीं क्लास में बच्चों ने परीक्षा दी और इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा जिनकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारे बच्चों का मेहनत है, हमारे शिक्षकों का मेहनत है कि हमारे सारे बच्चों ने 100% कामयाबी पाई। न एक बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, न किसी को कंपार्टमेंटल लगा है, पूरा 100% रिजल्ट है। 12वीं में आयुष अमन हमारे ही स्कूल का बच्चा है, जिसने लगभग 96% अंकों के साथ फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। वहीं 10th में 20 के करीब बच्चे, टोटल 92 बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, और 20 के करीब बच्चे 90% से ज़्यादा अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। और इसके अलावा बाकी के बच्चों का भी काफ़ी उत्साहवर्धक प्रदर्शन रहा है। तो हमारे अभिभावकों का समर्थन है, हमारे बच्चों का मेहनत है और शिक्षकों का प्रयास है कि हम ये कर पाए हैं। आने वाले दिन में हम और बेहतर करेंगे, बस इसी तरह से समर्थन मिलता रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।